जगमगाती रोशनी और क्रिसमस की खुशी से सजे एक अनोखे गांव में जोसेफ नाम का एक दयालु और विनम्र बढ़ी रहता था। जैसे ही शहरवासी उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे, माहौल प्रत्याशा से भर गया था, लेकिन उत्साह के बीच जोसेफ का मन भारी था। जोसेफ की प्रिय पत्नी मैरी एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी और एक स्वर्गदूत ने उसे सपने में देखा था, जिसने इस चमत्कारी जन्म की असाधारण प्रकृति की भविष्यवाणी की थी। जैसे जैसे क्रिसमस की पूर्व संध्या नजदीक आई, जोसेफ को विस्मय और जिम्मेदारी का मिश्रण महसूस हुआ, यह जानकर कि उसे एक दिव्य मिशन सौंपा गया था। एक छोटे से मोमबत्ती की रोशनी वाले घर में शुरू हुई, जहां जोसेफ और मैरी एक साथ इकट्ठे हुए थे। आग की गर्माहट मैरी की आंखों में झलक रही थी जब वह अपने बढ़ते पेट को गोद में ले रही थी। विश्वास और प्रेम से प्रेरित इस जोड़े ने विशेष बच्चे के आगमन की तैयारी की। जैसे ही जोसेफ ने एक साधारण लकड़ी का पालना बनाया, उसने देवदूत के संदेश पर विचार किया। मैरी जिस बच्चे को जन्म दे रही थी, वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसका नाम यीशु रखा जाना था, जो दुनिया के लिए आशा और प्रेम का प्रतीक था। जिम्मेदारी का भार जोसेफ के कंधों पर आ गया, लेकिन उद्देश्य की गहरी भावना और दिव्य मार्गदर्शन ने उसे सांत्वना दी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक चमकता सितारा रात के आकाश को सुशोभित कर रहा था, जो इस साधारण गांव पर अपनी हल्की चमक बिखेर रहा था। जोसेफ और मैरी के घर में होने वाली असाधारण घटना से अनजान शहरवासी उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए। हर्षित कैरोल्स और हंसी के बीच एक दिव्य शांति ने जोसेफ और मैरी को गले लगा लिया, क्योंकि उन्होंने शिशु यीशु के आगमन का स्वागत किया। नवजात शिशु का रोना आशा की धुन की तरह गूंज रहा था, जिसने उस विनम्र निवास को एक अलौकिक गर्मी से भर दिया। जैसे ही जोसेफ ने शिशु को अपनी बाहों में भर लिया, उसने उन्हें दिए गए प्यार के उपहार के लिए कृतज्ञता की अत्यधिक भावना महसूस की। असाधारण जन्म की बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। नगरवासी उस दिव्य चमक से आकर्षित होकर, जिसने उस साधारण आवास को चारों ओर से घेर रखा था, उपहार और आश्चर्य से भरे दिल लेकर आए। उन्होंने पवित्र परिवार में व्याप्त उज्जवल प्रेम को देखा और इस चमत्कारी रात के महत्व को पहचाना। गांव रोशनी की रोशनी में तब्दील हो गया, क्योंकि पड़ोसियों ने उन असाधारण घटनाओं की कहानियां साझा की जो उन्होंने देखी थी। परिवार आग के चारों ओर एकत्र हो गए और विनम्र बढ़ी और उसके चमत्कारी परिवार की कालजयी कहानी सुनाने लगे। वह रात क्रिसमस की सच्ची भावना से गूंजती रही, प्रेम करुणा और आशा का उत्सव जो सांसारिक चुनौतियों से परे है। गांव के मध्य में सैमुअल नाम के एक दयालु सराय के मालिक ने ठंडी रात से बचने के लिए शरण चाहने वालों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। आगंतुकों में चरवाहे भी थे, जिन्हें एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ था, जो उन्हें उद्धारकर्ता के जन्म का गवाह बनने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। चरवाहे सराय में दाखिल हुए, उनकी नजर नवजात यीशु पर पड़ी। कमरा एक अलौकिक चमक से भर गया था और चरवाहों को शांति की गहरी अनुभूति महसूस हुई। विस्मय से अभिभूत होकर उन्होंने स्वर्गदूत के संदेश को साझा किया, जिसमें मसीहा के जन्म की घोषणा की गई, जो सभी के लिए खुशी और मोक्ष लाएगा। नगरवासी, चरवाहे और ग्रामीण समान रूप से प्रेम के दिव्य उपहार का जश्न मनाने के लिए एकजुट हुए। दया, करुणा और निस्वार्थता के उपहारों का आदान प्रदान किया गया, जो क्रिसमस के वास्तविक सार को दर्शाता है। नवजात उद्धारकर्ता की उपस्थिति से रोशन होकर यह विनम्र गांव प्रेम और सद्भावना का अभयारण्य बन गया। जैसे जैसे रात हुई, गांव में शांति का माहौल छा गया। ऊपर का आकाशीय सितारा दुनिया भर में अपनी चमक बिखेरते हुए चमकता रहा। जोसेफ, मैरी और बेबी जीसस आशा के प्रतीक बन गए और सभी को याद दिलाया कि जीवन की चुनौतियों के बीच प्यार का उपहार सभी का सबसे बड़ा चमत्कार है। और इसलिए क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शांत गांव में जोसेफ, मैरी और बच्चे यीशु की कालातीत कहानी सामने आई। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों को पार कर गई, उन लोगों के दिलों में गर्मजोशी ला दी जिन्होंने क्रिसमस की सच्ची भावना को अपनाया।